देश में बना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, कर्नाटक में एक दिन में लगा सबसे ज्यादा टीका, टीकाकरण में देश को मिला शीर्ष स्थान। देश में बड़ी संख्या में आ रहे जानलेवा कोरोना वायरस के मामले, 24 घंटे में आए कोरोना के 35,662 केस, 33,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहा डेंगू का कहर, अस्पताल में स्टाफ की कमी से भर्ती मरीजों को हो रही परेशानी, ओपीडी में लग रही मरीजों की लंबी कतार। ग्रेटर नोएडा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर डिवाइडर से पलटी बस, हादसे में आधा दर्जन लोग हुए घायल, एक ही मौके पर ही मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कर्नाटक में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना का टीका लगने का रिकॉर्ड बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन में 26.92 लाख खुराक के साथ कर्नाटक देश में कोरोना टीकाकरण में सबसे ऊपर आ गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ ए.के. सुधाकर ने कहा है कि कर्नाटक ने शुक्रवार को रात 9 बजे तक 26.92 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाकर देश में कोरोना टीकाकरण में शीर्ष स्थान हासिल किया। राज्य के प्रयासों की सराहना की कर्नाटक की तरफ से उत्तर प्रदेश और बिहार की तुलना में अधिक खुराक देने का ये एक अभूतपूर्व प्रयास है, जिनकी आबादी कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा दक्षिण कन्नड़ और बल्लारी है जहां पर 1.33 लाख लोगों को कोरोना टीका लगा है। इसके बाद तुमकुरु आता है जहां पर 1.24 लाख डोज दिए गए और मांडिया में 1.15 टीके लगाए गए हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा डोज लगाकर भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का अपना ही विश्व रिकॉर्ड बना दिया। इससे पहले 31 अगस्त को 1.41 करोड़ डोज का रिकॉर्ड बनाया गया था। तो देश में वैक्सीनेशन का एक और रिकॉर्ड बना है। दरअसल एक दिन में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। यह अपने आप में ऐतिहासिक है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर इसी स्पीड से वैक्सीनेशन पहले कराया गया होता तो जितने मामले अब आ रहे हैं अलग अलग राज्यों से वो कम हो सकते थे और जो भय लगातार बना हुआ है कोरोना का वो भी कम हो सकता था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल बनता है कि कोई बात नहीं, रिकॉर्ड बनाया है और आगे ऐसे ही रिकॉर्ड बनाते रहेंगे। एक दिन में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कोरोना की डोज दी है। आने वाले समय में उम्मीद है कि जल्द से जल्द देश की लगभग पूरी आबादी को कोरोना की डोज मिल पाएगी। बीजेपी प्रवक्ता संदीप दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इसी खबर पर। संदीप जी, सबसे पहले न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। साउंड कम आ रही है, साउंड बढ़ा रही। संदीप जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज तो सुन रहा हूँ लेकिन कम आवाज आ रही, थोड़ी साउंड स्टूडियो से बढ़वाइए। संदीप जी, आ रही है मेरी आवाज आपको? हाँ। संदीप जी, रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस, लेकिन सवाल मेरा यह है कि रोज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? इतनी स्पीड से अगर हम करेंगे तो फिर वैक्सीनेशन बहुत अच्छा भारत में होगा और लगभग पूरी आबादी को जल्द ही वैक्सीनेट कर लिया जाएगा। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कल जन्मदिन था और पूरा देश प्रधानमंत्री जी के जो सुझाव थे कोविड को लेके, उन्होंने कहा कि कोविड गया नहीं है, कोविड है। और जिस तरह से जागरूकता अभियान पूरे देश में चली, आम लोग घर से निकल के आए, जो लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवाए थे वो भी निकल के आए, उन्होंने वैक्सीनेशन लगवाया। तो ये देश के लिए, हमारे देश के लिए ये सबसे अच्छी पहल में से एक है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि ये पहल रोज होनी चाहिए और जन जागरूकता अभियान इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी एक सप्ताह का चला रही है और घर घर जा रही है, लोगों को कह रही है वैक्सीनेशन लगाएं। तो और कोविड अभी गया नहीं है, इसलिए कोविड से हमारी लड़ाई जंग जारी है और हम सब भारतीय मिलकर इस जंग को जीत सकते हैं। संदीप दुबे जी, माफ कीजिएगा बीच में टोक रही हूँ, आप ये बताइए कि आप मानते हैं कि ये जो शुरुआत है ये हम बहुत पहले से कर सकते थे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस का सहारा क्यों लेना पड़ा? ये तो पहले भी हो सकता था। देखिए, ये एक राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक सामाजिक और देश का विषय है और देश में जितनी एजेंसियां, स्वास्थ्य विभाग है, ये काम कर रहा है। और जिस दिन से पहली लहर आई थी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व और जिस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उसका ही नतीजा था
कि भारत को उतना नुकसान नहीं हुआ पहली लहर में जैसे विश्व के और देशों में हुआ। दूसरी लहर भी हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको रोका है। थर्ड वेव भी आ सकती है, इसकी आशंका को देखते हुए हमारी सरकार और हम सब लोग, हम जब सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है तो हम सब नागरिकों का दायित्व, चाहे आप हो, हम हो, प्रधानमंत्री जी हो, सबका दायित्व कि हम लोगों को जागरूक करें। और वैक्सीनेशन जो है एक सफल प्रक्रिया है जिसके वजह से कोविड से हम लड़ सकते हैं, कोविड नहीं हो सकता, तो इसलिए ये प्रयास है और अभी भी सबको मिलकर करना है, उसमें किसी एक पार्टी विशेष को सोचना नहीं है। ये देश की एक समस्या है और इस समस्या से हमें लड़ना और विश्व के पटल पे भारत को, जैसा आपकी बातें जो है संदीप जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन यहाँ एक चीज मुझे खटकी है। आपने कहा कि दूसरी लहर में हमने बखूबी नियंत्रण किया है। देखिए दूसरी लहर की जो तस्वीरें हैं वो कितनी मार्मिक है ये मैं भी जानती हूँ, ये आप भी जानते हैं। उस समय में व्यवस्थाएं की गई लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब समय है कि तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है उसको रोकना। जिस तरह से कल वैक्सीनेशन हुआ है, क्या आप हमें ये वादा करते हैं कि आने वाले समय में भी इसी उम्मीद के साथ आप वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे ताकि देश में सभी लोग वैक्सीनेट हो पाएं? देखिए अभी तो पहली ही डोज लोगों को मिल रही है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें दोनों डोज मिल चुकी है। देखिए देश जाग चुका है और कोविड की महामारी में भारत जैसे लड़ा है, अन्य देशों के मुकाबले हमने अच्छा किया है और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है, लक्ष्य है, हम तेजी से प्राप्त कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले कुछ समय में हम सबकी जागरूकता ही हमें कोविड से बचाएगी और सरकार पूरी तरह से साथ है। प्रधानमंत्री जी का जो सोचना है, सपना है, जन जागरण से ही सारी चीजें संभव हो सकती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, हम लोग का भी नैतिक जिम्मेदारी है, जो भी लोग आपके चैनल पे सुन रहे हैं वो सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अगल बगल कोई भी व्यक्ति अगर वैक्सीनेशन नहीं लगाए तो जाके वैक्सीनेशन लगाए और लगवाए, दोनों काम करने की आवश्यकता है क्योंकि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलकर अपने देश के लिए अच्छा काम करना है जैसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो हम सबको अपनी भागीदारी राष्ट्र में रखना पड़े। बिल्कुल ठीक है संदीप जी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, अभी आपने कहा कि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, लेकिन इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक तौर पर देखा गया है, राजनीतिकरण इसका खूब हुआ, चाहे वो लॉकडाउन हो, चाहे वो अनलॉक की प्रक्रिया हो, चाहे वो तमाम राज्यों में मामलों का सामने आना हो, चाहे वो दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी हो, इस पे खूब राजनीति हुई है। और आज की अगर मैं बात करूं तो कुछ खबरें सामने आई है कि 5 राज्यों में जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में, उन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा, 100% लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। सिर्फ वो 5 राज्य ही क्यों, बाकी देश की जो जनता है क्या उनको वैक्सीन नहीं मिलनी चाहिए, क्या वो हकदार नहीं है वैक्सीन के? देखिए हम लोग एक सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं। हम हमारे देश में क्या होता है कि हम हर विषय को गंदी राजनीति की तरफ देखते हैं, अच्छी राजनीति भी होती है और सरकार एक अच्छी राजनीति कर रही है, भारत के प्रधानमंत्री ने अच्छी राजनीति की पहल रखी है और इसमें कोई दो राय नहीं कि हम किसी से भेद नहीं कर रहे हैं, कहीं मतभेद नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि सबको वैक्सीनेशन लगना चाहिए, सबको वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, तो किसी एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं कहते, वो पूरे देश के संपूर्ण जनता के लिए कहते हैं। और इसलिए हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हम सबको मिलके इस लड़ाई को जीतना है और जिस तरह से ये लड़ाई है हमारे सामने, ये बहुत बड़ी लड़ाई, इसको राजनीतिक रूप स्वरूप जो गंदी राजनीति का है वो नहीं देना चाहिए, अच्छी राजनीति की हमेशा आवश्यकता इस देश को है। चलिए मैं समझ गई हूँ संदीप जी, आप बिल्कुल मन बना के मेरे साथ जुड़े हैं कि मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ सटीक बोलूंगा और साफ शब्दों में बोलूंगा। जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ आप वो उस पर बात ही नहीं कर रहे हैं, मैं तो राजनीति की बात कर रही हूँ लेकिन आप इस पर बात नहीं कर रहे, कह रहे कि राजनीति का ये मुद्दा नहीं है, लेकिन राजनीति तो इसे बनाया जा रहा है ना। देखिए हमें ये क्यों, हम ये सोच लेते हैं कि राजनीति गंदी होनी चाहिए, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, अब आप देखिए अगर दिल्ली के अंदर लोग ऑक्सीजन के बगैर मरे, दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या हुई, अगर अरविंद केजरीवाल वहां अच्छा काम नहीं कर पाए, जो घूम घूम के मोदी जी को गाली देते हैं, तो इसके लिए भी मोदी जी जिम्मेदार है। जो विपक्षी पार्टियां हर जगह राजनीति कर रही है, उनकी सरकार है, तो हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, जैसे आप निभा रही है, मेरे से प्रश्न पूछ रही है, जनता की प्रश्न पूछ रही है, जनता के हित की प्रश्न पूछ रही है और मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। हम सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी है जो जहां बैठा हो। और आज सबसे बड़ी बात है कि आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, आज वो लोग घर में अगर वैक्सीनेट नहीं है तो वो जाएं और वैक्सीनेशन लगवाएं
और ये सबसे बड़ी उपाय है इस लड़ाई से लड़ने के लिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने संदीप जी, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि लोगों तक वैक्सीन आराम से पहुंच सके और जल्द से जल्द पहुंच सके, लेकिन इसमें भी राजनीति लगातार हो रही है। अब फिर से सवाल उठने लगे हैं कि सिर्फ एक ही दिन ऐसा क्यों चुना गया जिस पर रिकॉर्ड बनाया गया वैक्सीनेशन का? क्या ये पहले नहीं हो सकता था? जब देश के पास वैक्सीन की भरपूर मात्रा है तो फिर पहले नहीं क्यों नहीं ऐसा कदम उठाया गया? आने वाले समय में अब देखना होगा कि इतनी तेजी के साथ वैक्सीनेशन क्या हो पाएगा, क्या वही रिकॉर्ड कायम होगा जो कल हुआ है। इसके अलावा जो बातें कही गई हैं कि उन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर 100% लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, आखिर क्यों, क्या वजह है? क्या सिर्फ ये अच्छी ही राजनीति है या वाकई कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश यहाँ बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि चुनाव है। देश में अब बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, वहीं 281 लोगों की जान चली गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 33,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं, ये अच्छी बात है, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,26,00,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं अब एक्टिव केस घटकर 3,40,000 हो गए हैं। एक्टिव केसेस में कमी है तो इससे आप समझ लीजिए कि हम अब जंग जीतने वाले हैं और हमें ये जंग जीतनी ही होगी, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। देश में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर टीकाकरण अभियान को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए टीके की 2.50 करोड़ से ज्यादा खुराक देकर एक रिकॉर्ड बनाया गया। उम्मीद है कि केंद्र सरकार ऐसे रिकॉर्ड दोबारा बनाएगी। देश में अब तक दी गई कुल खुराक 89.33 करोड़ के आंकड़े को पार कर गई है। इससे पहले दैनिक खुराक का रिकॉर्ड चीन ने बनाया था, लेकिन हमने चीन को पीछे छोड़ दिया है, जहां जून में 2.47 करोड़ टीके चीन में लगाए गए थे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि भारत में कल कोरोना वायरस के 14,48,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए गए, जिसके बाद कल तक कुल 55,07,80,000 से ज्यादा सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। वैक्सीनेशन का जो स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उम्मीद केंद्र सरकार से आम जनता को यही है कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट किया जाए और जो लोग वैक्सीनेशन से अब भी डर रहे हैं उनमें जागरूकता भरी जाए, उनको जागरूक किया जाए, निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक इसको प्रोत्साहन दिया जाए। उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर के साथ साथ डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। मेरठ में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में स्टाफ की कमी मरीजों और उनके देखभाल करने वालों पर भारी पड़ रही है। मेरठ जिला अस्पताल में सुबह 8 बजे लिफलेट काउंटर खुलते ही लोग खिड़की पर इलाज के लिए आते हैं। मौसमी बुखार और डेंगू बुखार के चलते ओपीडी में मरीजों और उनके देखभाल करने वालों की लंबी कतारें नजर आती हैं। दोनों डॉक्टर देख रहे हैं एक दिन में करीब 1200 से 1500 मरीज। दरअसल डॉक्टर दो ही हैं, लेकिन उन्हें करीब हजारों लोगों का इलाज करना पड़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के अलावा अन्य मेडिकल स्टाफ की कमी के कारण भर्ती मरीजों और उनके देखभाल करने वालों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे जहां पर डेंगू और वायरल बुखार लगातार लोगों की कमर तोड़ रहा है। लोग भागे भागे फिर रहे हैं अस्पतालों में और फिर भी इलाज नहीं मिल पा रहा। वायरल फीवर का तो सीजन चल रहा है, बरसात के बाद जैसा आम तौर पे होता है, बरसात के बाद थोड़ा सा सीजनल ये फीवर के केसेस बढ़ जाते हैं, तो वही बुखार के केसेस हैं ज़्यादातर तो, और उसमें 2-4 डेंगू के पेशेंट भी पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन गंभीर टाइप का डेंगू नहीं है, साधारण टाइप के केसेज हैं जो मैनेज हो रहे हैं। हमारे यहाँ 16 बेड का एक वार्ड है, डेंगू वार्ड है, जिसमें मच्छरदानी, पर्याप्त दवाएं वगैरह सब इलाज के और रोकथाम के सब साधन उपलब्ध हैं, है ना। चिकित्सक और नर्सें वगैरह हमारी रेगुलरली देख रही हैं। हमारे यहाँ डेंगू से अब तक कोई डेथ नहीं हुई है, जांच लगातार चली रही है उसकी, है ना। हमारे यहाँ डेंगू के दोनों टेस्ट होते हैं, रैपिड वाला भी और एलिसा वाला कन्फर्मेशन वाला भी जो है टेस्ट होता है। डेंगू बुखार हुआ है मरीज को, पहले तो यहाँ था मरीज हमारा फीमेल वार्ड में, अब रात उनको इमरजेंसी भेजा, इमरजेंसी में डॉक्टर आए
मरीज को आराम भी नहीं है, हम बोले मरीज को आराम नहीं है और छुट्टी लिख दी। हाँ, और पेशेंट को आराम नहीं है जी, मैंने मना भी किया कि छुट्टी नहीं लिखो, हमारे पेशेंट को आराम नहीं है, फिर भी लिख दी उनको, अब घर इलाज ले जाके इलाज करो, दवाई ले जाओ यहाँ से, घर दवाई खिलाओ उनको जी। नहीं जी, अब ये आज चौथा रोज है, अब मैं क्या, अभी तो नहीं, मैं कह रहा है एक ने बताया हमसे, वहाँ जाओ आप एक नंबर कमरे में, उनसे जाके कहो कि आपका पेशेंट सही नहीं है, कहने को वो छुट्टी लिख रहे हैं। डॉक्टर ने देखा तो सही इलाज? नहीं, डॉक्टर ने देखा था, जो यहाँ पर डॉक्टर आ रहे थे वो तो डॉक्टर बहुत अच्छी तरीके से देख रहे थे। तो मेरठ में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है, करीब 1000 से 1500 मरीज रोजाना अस्पतालों में जा रहे हैं, इलाज के लिए भटक रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मुनव्वर चौहान मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुनव्वर, लगातार मेरठ में डेंगू वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को अटेंड करें और उनका इलाज करें, लेकिन मरीजों की तरफ से कहा जाता है कि उन्हें अटेंड नहीं किया जाता है और लंबी लाइनें वो रोजाना लगाते हैं। मुनव्वर, मेरी आवाज मिल रही है? नहीं, डेंगू का प्रकोप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर फैला हुआ है और डेंगू का प्रकोप इस कदर फैला है कि अब जो हॉस्पिटल है, सरकारी हो या प्राइवेट हो, सभी हाउसफुल चल रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो यहाँ आप बता दें आपके, तो 8 बजे से लाइन लगनी शुरू होती है और शाम तक बुरा हाल रहता है, सभी वार्ड फुल हैं और यहाँ तक कि जो प्रांगण होता है अस्पताल का उसमें भी बेड डाले गए हैं। प्रशासन हर तरीके से कोशिश कर रहा है कि डेंगू पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन हेल्थ की बात है कि मेरठ की अगर बात की जाए तो आज जिला अस्पताल में 1000 से ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, वही हाल मेडिकल कॉलेज का है मेरठ में, हजारों पेशेंट आते हैं यहाँ पर। प्रमुख अधीक्षक ने पहले भी बताया था कि हालात बद से बदतर है, ऐसे में इस डेंगू के प्रकोप को रोकने के लिए नगर निगम से लेकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम दोनों लगी हुई है। यहाँ मेरठ में अगर मेरठ की बात की जाए तो दर्जनों जगह डेंगू का लार्वा पाया गया और डेंगू के लार्वा मिलने के साथ साथ कई जो मकान स्वामी है उनको नोटिस दिए गए हैं और लगातार डेंगू के प्रकोप के चलते जो आम जनमानस है वो परेशान है, क्योंकि पहले कोरोना की मार थी और अब जब थोड़ा सही हुआ है तो डेंगू ने अपना पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। हालांकि हालत जो वायरल फीवर है उससे ज्यादा खराब हुई है, वायरल फीवर के चलते देखा ये जा रहा है कि अस्पताल तो फुल है ही, इसके अलावा जो स्कूल खोल दिए गए हैं, जो कॉलेज खुले हैं उनमें भी। मुनव्वर, जो साफ सफाई की व्यवस्था है वो कैसी है, अस्पतालों में साफ सफाई कैसी है, अस्पतालों के आसपास कैसी है, और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, जगह जगह पानी भरा हुआ है, ऐसे में गंदगी का अंबार भी लगा हुआ है, तो वहाँ पर व्यवस्था कैसी है? देखिए, अस्पतालों की अगर बात की जाए तो कोविड के दौर में अस्पतालों की स्थिति को बेहतर किया गया था और काफी हद तक बेहतर किया गया था, लेकिन अस्पतालों के अंदर साफ सफाई के साथ साथ जो पेशेंट्स को लेने तक को, उसको भर्ती करने तक को तमाम व्यवस्था दुरुस्त की गई है, लेकिन होता यह है कि जो पेशेंट बड़ी तादाद में आते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर मैन पावर कम होती है और मैन पावर डॉक्टर कम होने के चलते व्यवस्थाएं फैल जाती है, तो शायद यही कारण है कि जब बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं तो मैन पावर कम होने के चलते जो लोग हैं परेशान है, इधर उधर घूम रहे हैं। साफ सफाई की बात की जाए तो यहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो सफाई कर्मी है, स्वीपर है, उनको अस्पताल में लगाया गया है, क्योंकि बरसात का मौसम है, मानसून का दौर है, ऐसे में जगह जगह पानी भरा होता है, लेकिन उस पानी को साफ करने की कोशिश की जाती है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की दोनों ही टीम, नगर निगम सफाई करती है और स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां पर छिड़काव करती है जिससे कि लार्वा उत्पन्न ना हो, लार्वा खत्म हो जाए, लेकिन जिस तरीके से जगह जगह पानी और भी जगह भरा है, जैसे सड़कें हैं, गड्ढे हैं, और वहां पर भी खतरा बना रहता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितना साफ पानी होगा उतना लार्वा इकट्ठा होगा, इसलिए पहले ही शासन और प्रशासन के माध्यम से लोगों से अपील की गई थी कि अपने जो कूलर है या फिर अपनी टंकी है और जहाँ भी पानी जमा हो सकता है, टायर है, उसको खाली कर दीजिए, वहाँ पर पानी नहीं होना चाहिए। खासतौर से जो कूलर लगे होते हैं सरकारी विभागों में भी उन कूलरों को साफ करने की जो है कवायद शुरू कर दी गई, पूरे उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से किया जा रहा है, लेकिन क्योंकि अब जो लहर एक तरीके से मान सकते हैं जो डेंगू है उसकी लहर चल रही है, उसी के चलते लोग प्रभावित होना शुरू हो गए हैं। मेरठ में अगर बात की जाए तो दर्जनों जो पीड़ित है वो प्रतिदिन मिल रहे हैं और संख्या इस तरीके से बढ़ रही है, पहले मान लो कोविड की शुरू हुई थी तो संख्या बढ़ रही थी, ऐसी संख्या बढ़ रही है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, साफ सफाई का ख्याल रखना है और खाने पीने की जो यहाँ पर
व्यवस्था जो कर सकता है, जो चिन्ह खा सकता है वो खाए, अच्छे फल खाए। ये तमाम जो जिलाधिकारी से लेकर के सीएमओ तक अधिकारियों ने इस बात को अवेयर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बिल्कुल, यानी मुनव्वर ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है, जिला प्रशासन भी अलर्ट है, डेंगू के मामले आ रहे हैं लेकिन उनका जल्द ही निवारण जो है वो भी कर दिया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए मुनव्वर। तो मेरठ में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कहा जा रहा है कि उन्हें इलाज मिल रहा है बेहतर तरीके का। अगर जिला प्रशासन की हम बात करें तो जिला प्रशासन भी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि पूरे मेरठ के, चाहे वो शहरी इलाके हों चाहे वो ग्रामीण इलाके हों, वहां पर साफ सफाई का ध्यान सबसे ज्यादा रखा जा रहा है क्योंकि डेंगू जो है इसका प्रकोप बढ़ रहा है और गंदगी में और जहां पानी इकट्ठा होता है वहां पर सबसे ज्यादा डेंगू का प्रकोप बढ़ता है। इसी वजह से साफ सफाई पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि मामले कम हो सके। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर धौलाना से नोएडा जा रही तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर पलट गई। इस हादसे के चलते आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, वहीं एक महिला की मौके पर ही जान चली गई। बताया भी जा रहा है कि बस में 25 से 30 महिला कर्मचारी बस में सवार थी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला, जहां पर अनियंत्रित होकर बस पलट गई जिसमें करीब 25 से 30 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। एक महिला की मौके पर ही जान चली गई है। पुलिस मौके पर पहुंची, सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए तुरंत भर्ती कराया गया। वहीं हाथरस में भी भीषण सड़क हादसा हो गया है, जहां ट्रक और कार में आमने सामने की जबरदस्त भिड़ंत हो गई जिसमें इनकम टैक्स अधिकारी अमरजीत और एक सहायक टेक्नीशियन की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि हादसा नेशनल हाईवे और आगरा से अलीगढ़ जाते वक्त हुआ। वहीं अलीगढ़ में प्रकाश कटियार आयकर अधिकारी घायल हो गए हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। तो ग्रेटर नोएडा और हाथरस में ये दो बड़े मामले सामने आए, जहाँ पर सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई है और यहां पर कई लोग घायल हैं जिनका इलाज करवाया जा रहा है। केरल में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के साथ ही राज्य में कॉलेज भी स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 1 साल से ज्यादा समय के बाद 4 अक्टूबर से फिर से खोले जाएंगे। और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजू कुमार ने एक आदेश में कहा है कि डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के फाइनल सेमेस्टर की कक्षाएं कोविड-19 स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए शुरू की जाएंगी। आदेश में कहा गया कि उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले सभी संस्थान 4 अक्टूबर से काम करना शुरू कर देंगे। फाइनल ईयर के पीजी कोर्सेज पूरी उपस्थिति के साथ आयोजित किए जाएंगे, जबकि फाइनल ईयर के डिग्री कोर्सेज के लिए उपस्थित 50% होगी। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि कॉलेजेस में उपलब्ध स्थान के अनुसार कॉलेज परिषदों की तरफ से क्लासेस की टाइमिंग तय की जाए। साइंस सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल क्लासेस को महत्व दिया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि अन्य सेमेस्टर के लिए कक्षाएं ऑनलाइन जारी रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ हुए चिंतन शिविर के बाद प्रधानमंत्री ने यह समीक्षा बैठक बुलाई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर को सचिवों के साथ होने वाली बैठक शाम में होगी। हालांकि बैठक किन मुद्दों पर होगी इस पर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से जीवन यापन में आए बदलाव और चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने, कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। बीते दिनों पीएम मोदी ने धर्मेंद्र प्रधान समेत कई मंत्रियों के साथ चिंतन बैठक की थी। सूत्रों की माने तो सभी मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने 1-to-1 किया था। आने वाले समय में भी 1-to-1 हो सकता है और मंत्रिपरिषद की ऐसी 4 बैठकें और होने की संभावना है। मंत्रिपरिषद की पिछली बैठक में पीएम मोदी ने कहा था कि मंत्री एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करें ताकि काम अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से हो सके। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ बुलेटिन इंडिया के साथ।